दो गज दूरी और मास्क है जरूरी, ये सब हम सब जानते हैं, पर फिर भी कोई इसे फॉलो नहीं करता। वैक्सीन लगवाना कितना जरूरी है ये भी सब जानते हैं, पर फिर भी अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं और अपने बच्चों तक को नहीं लगवा रहे। हमारे साथ डॉक्टर सर मौजूद हैं, उनसे पहले हम उनका परिचय ले लेते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि कितने लोग अभी तक वैक्सीन लगवा चुके हैं और कितने बच्चों को अभी वैक्सीन लगना बाकी है। सर आपका इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर एनबी सिंह हूँ, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन हूँ। यहाँ पे कोविड का वैक्सीनेशन का काम मैं ही देख रहा हूँ। रही बात जहाँ तक वैक्सीनेशन की, तो बड़ों का तो काफ़ी कुछ वैक्सीनेशन हो चुका है। जो अभी 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन की गति बहुत धीमी है, उसके लिए लखनऊ की जो पब्लिक है, जनता है, उससे अपील है वो लोग अपने बच्चों को शीघ्रातिशीघ्र वैक्सीनेट कराएं। वैक्सीनेशन का मतलब मेरा कि वैक्सीनेशन से मेरा तात्पर्य है कि कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए। बाकी वैक्सीनेशन एहतियात है, वैक्सीनेशन कराने के बाद भी आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाए रहना है। अभी भी आपको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है और आपस में एक गज की दूरी, एक मीटर की दूरी मेंटेन करनी है, यथासंभव भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। ये आपको प्रिकॉशन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहलाता है, ये इसको अभी फॉलो करने की ज़रूरत है। और जब भी आपका टर्न आ रहा है, आप अपने को वैक्सीनेट जरूर कराएं, ये बचने का एकमात्र तरीका है। सर लगभग कितने बच्चों को अभी तक वैक्सीन लग चुका है और इसमें कितनी तेज़ी देखी गई है जब से कोरोना फैलने की बात कही जा रही है? अब तक का पूरे लखनऊ में तो कहना मुश्किल है, तो डाटा वो ज़िले पे होगा। हमारे यहाँ की भी वैक्सीनेशन की गति बहुत ही धीमी रही है। मात्र हमारे यहाँ इतने दिन से हो रहा है, लगभग 2000 के आसपास वैक्सीनेशन हो पाया है बच्चों का। इस बार बच्चों की गति बहुत ही धीमी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये जो कोविड वेव आया है, लोग इससे डर तो रहे हैं लेकिन इसका प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, और ये कितना खतरनाक है? रही बात खतरनाक के लिए, अभी इस पर अभी बहुत कुछ कहा जाना संभव नहीं है क्योंकि भी बहुत सारे डाटा अभी उपलब्ध नहीं है। हाँ, लेकिन ये संक्रमण की गति बढ़ रही है, इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है ओमिक्रॉन का वेरिएंट से, जैसा बताया जा रहा है कि ये उससे 10 times मोर ट्रांसमिसिबल है, संक्रामक इसकी 10 times ज़्यादा है। अब इसकी लिथेलिटी के बारे में अभी हॉस्पिटलाइजेशन की गति बहुत देखी नहीं गई है, लेकिन इस पर अभी कुछ बहुत ही ऑथेंटिक रूप से कहा जाना संभव नहीं है कि किसकी इतना इसकी लिथेलिटी है या हॉस्पिटलाइजेशन कितना होगा, कितनों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी, ये अभी कहा जाना संभव नहीं है। अभी तक जो हम लोग कर सकते हैं वो इसका प्रिकॉशनरी मेजर ही लिया जाना है, वो लिया जाना चाहिए। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को किस तरह के एहतियात और बरतने चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर अब 15 साल से ऊपर के काफ़ी, लगभग अधिकतर लोग इम्यूनाइज हो चुके हैं कोरोना से। 12 साल से 14 साल वालों का वैक्सीनेशन कोरोना का चल रहा है, 12 साल से कम जो छोटे हैं उनका भी वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुआ है। तो 12 साल से जो बच्चे छोटे हैं उनको तो बहुत ही प्रिकॉशन लेना है। 12 साल से 14 साल के बच्चों को अपने को या जल्दी से जल्दी कोरोना का टीका ले लेना है। बाकी पेरेंट्स भी अपना एहतियात रखें, ऐसा बात नहीं कि उन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है तो उनको कोरोना नहीं होगा। किस तरह के एहतियात रखने चाहिए सर, जो अहम है सबसे बड़ी? तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम लोग बोलते हैं, उसमें चार चीज़ें करनी है। एक तो मास्क, जब भी बाहर निकलें घर से मास्क लगाएं, समय समय पे हाथ को विसंक्रमित या सैनिटाइज करते रहें। आपस में जहाँ भी आप जाएं वहाँ पे
लगभग 1 मीटर की दूरी जरूर मेंटेन करें और यथासंभव भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाएं। ये चारों चीज़ें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आती हैं। पांचवी चीज़ है जो बचाव का सबसे अच्छा कि वो कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, अगर नहीं लगवाए हैं तो। बाकी खान पान में जो ज़रूरत है कि ये जो मौसम बदल रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि उससे आपको सो थोड़ी या URTI हो सकता है, उससे कोरोना के सिम्टम उसमें मिल सकते हैं। कोरोना का सिम्टम और URTI का सिम्टम करीब करीब एक ही जैसे होते हैं अभी जो हो रहा है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। तो अभी जो है कि यथासंभव चिल्ड चीज़ों से बचें। खाने में जो आम का पना, नींबू की शिकंजी, ये सब चीज़ें, लू से बचें। अपने को हाइड्रेट रखें, पानी कम से कम 3-4 लीटर 24 घंटे में पिएं, और हरी साग सब्जियां, ताज़ा खाना, ताज़ा सब्जियां, ताज़े फल खाएं, यही बचने का तरीका है। सर, एक ये आखिरी सवाल है, आप हमारे चैनल के माध्यम से उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी तक अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाए? जो बच्चे 12 साल से 14 साल की एज ग्रुप में हैं, अभी तक कोरोना का टीका नहीं लगा है, मैं उन माता पिता लोगों से अपील करता हूं, अपने बच्चों को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी कोरोना का टीका अपने नियरेस्ट सेंटर पे जरूर लेके जाएं और लगवाएं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। खान पान में ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा जो है कोरोना से बचने के लिए उनसे जुड़े जो प्रिकॉशंस हैं उसको लेते रहना बहुत ज़रूरी है। और उन पेरेंट्स से ख़ास तौर पर ये अपील है कि जो लोगों ने अभी तक अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाया है, वो जल्द से जल्द अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवा लें। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। UP और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए आज ही Google Play Store से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।